दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। Kalyan Singh was the chief minister of UP during the time when the Ram Janmabhoomi movement reached its peak. Despite his promise to the Supreme Court that no construction would happen at the disputed site, the Babri Masjid was demolished in December 1992, followed by a backlash of communal riots. Kalyan Singh resigned after the mosque was demolished and statuettes of Ram were installed at the site. किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ करो, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का प्रपालन किया है। इस आंदोलन में से आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल के जीरो रखा। साक्षी महाराज हैड सेड that the timing of Kalyan Singh's resignation was orchestrated to precision by the RSS. Cobra Post reporter K. Ashish puts the question to Kalyan Singh. इस्तीफे को लेकर तीन संशय, तीन बातें उठी हैं इस्तीफे को लेकर कि आपको मुरली मनोहर ज्योति जी ने कहा कि आप इस्तीफा मत देने जाइए, आप 10 बजे इस्तीफा लिख चुके थे, तैयार कर चुके थे, अपना देने जा रहे थे। आपने उस समय कोई डिसीजन लिया रोकने के लिए या? आप बीजेपी से जुड़े थे, आपकी सरकार थी, आपने रोकने के लिए कोई प्रयास किया? Kalyan Singh categorically denies any conversation with any leader during the time. He says, "Dhacha kar sevako ne tod diya. Main Ayodhya ke kisi neta se meri koi baat nahi hui." After this brief exchange that lasted barely a couple of minutes, Kalyan Singh refused to answer any further questions. जिक्र आया है कि जो आपने प्लाटून डिपोर्ट की वहां पर,
वो मतलब पहले से इस टाइप के मतलब जो अधिकारी थे वो पहले से मतलब जो चाहते थे बीजेपी से जुड़े लोग थे उनको डिप्यूट किया, एक इस तरीके से कोई चर्चा आई है। किसी बीजेपी के किसी लीडर से बचा बचा।